हाँ, तो बिल्कुल आपने सही पढ़ा कि मेरे साथ अभी अभी पेटीएम पे फ्रॉड हुआ है। और पेटीएम पे नहीं, दरअसल पेटीएम पे होने जा रहा था पर मैंने ऐप चेंज कर दिया, और फ़ोन पे पे सॉरी गूगल पे भी उसने पूछा कि गूगल पे से अगर पेमेंट कर सकते हो तो वहाँ से कर दो। और आप बोल रहे हो कि मैं इतना नॉर्मल क्यों हूँ यार, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है अभी अभी। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में हुआ है, पर मुझे पहले से पता था कि ये फ्रॉड हो रहा है और मैंने जानबूझ के ये रिस्क लिया ताकि मैं आप लोग को बता पाऊँ कि ऐसे फ्रॉड फिर से स्टार्ट हो गए हैं ये OLX के थ्रू। जैसे कि आपने पहले भी एक फ्रॉड देखे थे पर ये कुछ अलग तरीके का है और इसमें सिस्टम क्या उनने चेंज कर दिया, थोड़ा वो टेक्नोलॉजी पे अब ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। पहले वो अकाउंट में मंगाते थे सीधा, पहले भी वो पेटीएम वगैरह से ही मंगाते थे पर अब वो QR कोड भेजते हैं। QR कोड आप जानते होंगे, जब आप पेमेंट करते हैं तो उसके टाइम पे स्कैन करते हैं। तो अब क्या करते हैं कि आप OLX पे, जैसे कि मैंने मेरे साथ हुआ भी, मैंने OLX पे एक गिम्बल के लिए ऑप्शन डाल रखा था और जब मैंने डाला तुरंत वहाँ से कॉल आया और उसने बोला कि ठीक है आप बेच रहे हैं तो मैं इंटरेस्टेड हूँ लेने में। तो कितने मंथ पुराना है, क्या है, ये सब एक्टिंग की उसने, क्योंकि असल में उसको लेना ही नहीं था, वो मुझे पता था। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने बोला कि ठीक है मैं कुछ देर में आपको कॉल कर रहा हूँ और मशीन से जनरेट करूँगा मैं एक कोड यहाँ से, तो हम आर्मी के थ्रू पेमेंट करते हैं तो मैं पेमेंट भेज दूँगा आपको। तो मैंने बोला आप आओगे लेने प्रोडक्ट तो तुरंत वहीं पे पेमेंट कर देना। तो उसने बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरा बंदा आएगा और उसको पास कैश नहीं है तो मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसका कॉल आता है और अभी भी कॉल लग रहा है, ऐसा नहीं है कि उसने कॉल बंद किया है, वो बिल्कुल बेफिक्र है, बिल्कुल टेंशन फ्री है। और उसके बाद क्या होता है, वो QR कोड भेजता है मुझे और बोलता है कि ये QR कोड स्कैन करिए, असल में चेक है और आपके अकाउंट में 2,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं समझ गया कि यहाँ पे कुछ लोचा है, वहाँ पे नीचे आर्मी वगैरह लिखा हुआ था तो मैं समझ गया। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ, आप तो इतना भटक रहे हो कि पिन लगाने से पहले बताना आप, तब अपना आप पिन पिन ठोकते हो, उसमें अपना UPI पिन मांगता है 4 नंबर का, तब बताना, पहले मशीन का पिन लगेगा बाद में आपका लगेगा। हाँ लग गया, बताओ। आपने अपना पिन मत लगाओ अभी, स्कैन कर लिया आपने? मैं हाँ अपना पिन लगा रहा हूँ इधर से, बाद में आपको लगाना है। सर सेंड सेंड करके नहीं, अपना UPI पिन का ऑप्शन आ रहा है ना। हाँ हाँ रुको, मैं अपना पिन लगा रहा हूँ इधर से। चल रहा है, सक्सेसफुल होने दो, मैं आपको तुरंत से बताऊंगा। हाँ सक्सेसफुल हो गया सर, लगाओ अपना पिन लगाओ। तो आपने सुनी ये रिकॉर्डिंग, और हम इंडियन लोगों की मेंटेलिटी रहती है, आर्मी लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं इंडियन आर्मी पे, तो इसी चीज़ का ये गलत फ़ायदा उठाते हैं। सर मैं ये आर्मी वगैरह कहीं से नहीं होते और इसलिए मैंने कॉल पे इनसे पूछा भी कि आप कौन से कोर से हो, और इनने SIS कुछ करके बताया तो मैं समझ गया कि SIS नाम की कोई कोर ही नहीं है, क्योंकि मेरे फादर भी आर्मी में रह चुके हैं तो मुझे इसके बारे में नॉलेज थी पहले से। और 5,500 रुपये की पेमेंट उससे मुझे लेनी थी पर जब उसने QR कोड भेजा तो मैंने मना कर दिया, मैं बोला कि मेरे अकाउंट से एक बार में पैसे नहीं जाते हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि यार इतना बड़ा रिस्क लेना सही नहीं है, तो थोड़ा पैसा कम कर देते हैं। तो मैंने बोला 1,000 2,000 का अगर आप भेजते हो तो मैं एक एक करके पेमेंट कर दूंगा। तो उसने फिर मुझे 2,000 का भेजा और मैंने बोला चलो रिस्क ले लेते हैं, ठीक है पेमेंट करके देखते हैं। और उसके बाद हेलो, मेरे पैसे 5 मिनट में वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ। सर 1 मिनट सर, इतना अपना आपको भड़कने की जरूरत नहीं है मैं सर। भड़क नहीं रहा हूँ, मैं आराम से पूछ रहा हूँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैं जो आगे का कंप्लेन करना है मुझे वो मैं करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हेलो हेलो बताइए मेरे पैसे वापस आ रहे हैं या हेलो, मैं करता हूँ कंप्लेन, बताइए। मेरा बात तो आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है? आप 1 मिनट के लिए बात सुनो, भड़के मत, ये ठंडे दिमाग से बात करो। 100 दिमाग से ठीक है, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, रखो काम खत्म, मेरे को और कुछ नहीं पूछना। मैं प्रैक्टिकल करके देखना चाहता था और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता था, क्या ऐसा किसी के साथ फ्रॉड हो तो ऑन ग्राउंड इस पे कोई कार्रवाई होती है, यानी कि UPI ऐप वगैरह ये जो हैं पेटीएम गूगल पे या फ़ोन पे, तो ये कुछ कार्रवाई करते हैं, आपका पैसा वापस दिलवाते हैं कि नहीं दिलवाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये प्रोसेस कर दिया और इसके बाद
प्रोसेस करने के बाद आप देख रहे हैं कि इस समय मैंने पेमेंट ये 2000 की सक्सेसफुल कर दी है, और जैसे ही मैंने उसने बोला कि इसको दोबारा आप करिए तो मैं समझ गया कि फ्रॉड है, तो मैंने जाके अपना अकाउंट चेक किया और 2000 माइनस हो चुके थे। तो मैं बोला कि रुको, अभी मैं 2000 रुपये का आपने कर दिया जो घोटाला, मेरे को पहले से पता था आप फ्रॉड हो, और मैं अपने कंप्लेन राइज करता हूँ और आपके खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी मैं करूँगा। तो उसने बोला चलो ठीक है, मैं आपका पैसा वापस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बहाना करने लगा। तो मेरे को समझ में आ गया कि वो पैसा वैसा कोई वापस नहीं करने वाला, तो बार बार मेरे को कॉल कर रहा है, तो मैंने कॉल काट दिया। और उसके बाद जब मैंने कॉल किया तो मैं बोला कि ठीक है, अगर पैसे वापस कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कंप्लेन राइज कर चुका हूँ। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस समय जो मैंने कंप्लेन राइज कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे हेल्प यहाँ से होती है कि नहीं होती है, मेरे 2000 वापस हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, ये आपके साथ शेयर करूँगा। आप नीचे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, या तो मैं यूट्यूब पे भी वीडियो बना दूंगा दोबारा और आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा कि मेरे पैसे मुझे वापस मिले कि नहीं मिले और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा। तो सब्सक्राइब उसके लिए कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी दबाइएगा। पर वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, आपको कंप्लेन कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो ये स्क्रीन पे आप सिस्टम पूरा देख रहे हैं, आपको इस तरह से हर एक ऐप में हेल्प के लिए ऑप्शन मिलता है, तो आपको वहाँ पे जाके एक अपनी स्टेटमेंट जारी करना है और आपको बताना है कि मैं मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, ट्रांजेक्शन आई डी आपको देना है, और उसके बाद आपकी जो कंप्लेन है वो राइज हो जाएगी और उसके बाद उस पर प्रोसेस होगा। तो अभी मेरी प्रोसेसिंग में है और अभी अभी ये केस हुआ है, और उसके बाद अब देखते हैं कि कब तक ये रिजॉल्व हो पाता है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, लाइक ज़रूर करिएगा, इतना बड़ा रिस्क लिया यार, तो लाइक बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। और ध्यान रखिएगा ऐसे किसी फ्रॉड में ना फंसें। QR कोड स्कैन करके आप पेमेंट करते हैं, ना कि किसी से पेमेंट ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ्रॉड यहाँ पे ये शुरू हो चुका है OLX पे, तो ज़रूर बच के रहिएगा अगर आप इस तरह के ऐप यूज़ करते हैं या OLX पे अपना सामान सेल करने की सोचते हैं। तो जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा था, गुड थिंग इज़ कि उससे पहले ही रिप्लाई आ गया, तो मैंने सोचा इस वीडियो में ही ऐड कर दूं और आपको बता दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वहाँ पे फोन पे की तरफ से कहा गया कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है इसे जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाएगा, और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप एक साइबर क्राइम में ये कंप्लेंट राइज कर दें। तो वो मैं वैसे भी करने वाला था। तो दी एंड।